शमी अहमद अपने आप को बहुत पावरफुल, बहुत बड़ा क्रिकेटर समझता है और क्रिमिनल्स, बड़े क्रिकेटर्स, बीसीसीआई, बिजनेसमैन, ब्लैकमेलर सब उसे सपोर्ट कर रहे हैं। यूपी के अमरोहा का एक शर्मीला लड़का जिसके हिस्से में शोहरत आती है, पैसा आता है, मोहब्बत आती है और हर रोज आती है नई मुसीबतें। हर दिन आती इन बुरी खबरों से रोजाना मरती है मोहब्बत की वो कहानी जो कभी खेल के मैदान में ही जवान हुई थी। ये मुसीबतें और कानूनी पेचीदगियां उसकी जिंदगी में कोई गैर लेकर नहीं आया, वही लाया है जो उसके दिल के सबसे करीब था, कभी दिलदार था, हमराह था, जो कभी बाहों में बाहें डालकर हसीन सपने देखते थे, अब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं। उनके पास एक दूसरे की बेवफाई के किस्से हैं, रुसवाई है। ये कहानी है अमरोहा के उस लड़के की जिसकी गेंदें बल्लेबाजों पर कहर बरपाती हैं, लेकिन उसकी जिंदगी में मुसीबतों का ओवर खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। वो लड़का मोहम्मद शमी है। मोहम्मद शमी ने जो सपना देखा वो सपना पूरा भी हुआ। सपना क्रिकेटर बनने का, शोहरत का, पैसे का, सब आया भी। एक रोज खेल के मैदान में उसकी आंखें चार हुई एक लड़की हसीन जहां से। तब मोहम्मद शमी कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से खेलते थे। मैदान में गेंदे फेंकते हुए मोहम्मद शमी बल्लेबाजों के होश उड़ा रहे थे, लेकिन जब उनकी नजरें चीयर लीडर हसीन जहां से टकराई तो वो बोल्ड हो गए। दोनों की मुलाकात 2012 में आईपीएल के दौरान हुई। अमरोहा का शर्मीला लड़का मोहम्मद शमी खूबसूरत हसीन जहां के मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। दोनों ने 2014 में शादी कर ली, जिसके बाद हसीन जहां ने चीयर लीडिंग का काम छोड़ दिया। लेकिन मोहम्मद शमी अब कहते हैं कि हसीन जहां ने मुझे तब तक अंधेरे में रखा। हमारे मैरिज सर्टिफिकेट पर हसीन जहां ने खुद को बैचलर बताया था, लेकिन वो पहले से शादी शुदा थी, मैं वो भी बर्दाश्त कर गया। हसीन ने तब मुझसे कहा था कि ये दोनों बच्चियां हसीन की बहन की बेटियां हैं, इन बच्चियों के माँ बाप मर चुके हैं और वो हसीन जहां को माँ और शमी को पापा कहना चाहती हैं। मैं इसके लिए भी तैयार हो गया। जितनी तेज गेंदें शमी फेंकते हैं उतनी ही रफ्तार से उनकी जिंदगी में मुसीबतें भी आईं। शादी के बाद कुछ दिन तक सब ठीक था, लेकिन एक रोज हसीन जहां ने मोहम्मद शमी पर एक स्याह संगीन इल्जाम लगा दिया। हसीन जहां ने कहा कि उन्हें शक है कि शमी के कई और लड़कियों से रिश्ते हैं। इसे साबित करने के लिए कई चैट स्क्रीनशॉट भी पेश किए। हसीन ने कहा कि शमी तुमसे गलती हुई है, गलती की माफी मांग लो, मुझे पत्नी का ओहदा दे दो, लेकिन वो उल्टे सीना जोरी करता रहा। हसीन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि शमी का 5 साल तक एक लड़की से रिलेशन था, उसके बावजूद उसने मुझसे सगाई की। जो मसला घर में सुलझ सकता था वो चौराहे पर आ गया। हसीन जहां की पहले ही एक शादी टूट चुकी थी, लेकिन ये रिश्ता भी दरक रहा था। इस पूरे हंगामे की वजह शमी की बेवफाई थी या पहली शादी से मिली कड़वाहट, ये हसीन जहां भी समझ नहीं पा रही थी। इसीलिए शायद इनसिक्योर हो गई और अपना रिश्ता बचाने के लिए सड़क पर उतर गई। शमी तब तक इंडियन टीम में थे, नाम था, रसूख था, पैसा था, सब था। हसीन जहां को डर भी रहा होगा कि उनके रसूख के आगे क्या वो टिक पाएंगी, और यही डर उन्हें मीडिया के कैमरों तक ले गया। हसीन जहां ने जब मुंह खोला तो किसी को नहीं बख्शा। शमी के भाई पर उन्होंने कई संगीन इल्जाम लगाए। हसीन जहां ने शमी पर लड़कियों से अलग अलग नंबरों से कई ऐप्स पर गंदी चैट करने का इल्जाम तक लगाया। हसीन जहां ने कहा कि उनकी सास, ननद और जेठानी उन्हें जहर देकर मारना चाहती हैं। पाकिस्तान की एक लड़की अलिशबा और लंदन के मोहम्मद भाई से मिलकर मैच फिक्सिंग करने का आरोप तक लगाया। हसीन कहती हैं कि कराची की रहने वाली अलिशबा के लिए शमी होटल का कमरा बुक करते हैं और अलिशबा के साथ शमी के फिजिकल रिलेशन भी हैं। मैच फिक्सिंग के आरोपों पर इंग्लैंड के कारोबारी मोहम्मद खान ने सफाई भी दी थी। मोहम्मद ने बताया था कि वो मोबाइल के छोटे कारोबारी हैं। वो बोले कि मैं क्रिकेट का फैन हूं और इंग्लैंड में किसी मैच के दौरान मैं शमी से मिला था। मोहम्मद ने बताया कि हसीन जहां मुझे अपना भाई कहती थी।
किसी जांच एजेंसी से जांच करा लें, नार्को टेस्ट करा लें, मैं हाजिर हूं, मैं भी हिंदुस्तानी हूं, मैं भारत के झंडे को झुकने नहीं दूंगा। शमी और हसीन जहां के रिश्ते में इतना जहर फैलता जा रहा था। हसीन जहां के सारे इल्जाम मजबूर दिल ने लगाए थे या किसी मजबूत दिमाग ने, कहना मुश्किल था। शमी कहते रहे कि वो फिर से परिवार को एक करना चाहते हैं। वो कहते रहे कि हर बार मुझे मुंह खोलने से पहले अपनी बच्ची का चेहरा दिखाई देता है। मार्च 2018 में हसीन जहां ने यहां तक कह दिया कि वो सुलह करना ही नहीं चाहती। 16 मार्च 2018 को शमी ने तब निराश होकर कहा था कि मेरा दिल टूट गया है, अब शायद ही कोई रास्ता हो कि हम बैठकर बात कर पाएं। शमी ने कहा कि हसीन के खर्चे, प्रॉपर्टी और उनके एक्सट्रीम पर जाने का स्वभाव, बहुत सारे एंगल हैं। हसीन जहां मुझे अपने परिवार से बात करने से रोकती थी। मेरे बाप के मरने तक मैं अपने पिता से बात नहीं कर पाया। शमी कहते हैं कि उन दिनों हम आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं थे। इसी बीच बड़ी बहन की शादी पड़ी और मैंने हर भाई की तरह बहन की शादी में पैसे देने का फैसला किया। तब हसीन ने कहा कि आप बहनों के चक्कर में लूट रहे हैं। शमी कहते हैं कि वो हसीन जहां का ही बोया कांटा था कि मैं अपनी बहन की शादी के बाद आज तक उसके घर नहीं जा पाया। हसीन कहती थी कि सब कुछ बेचकर मेरे संग कोलकाता चलो। हसीन कहती है कि मैं उनको पैसे नहीं देता, मेरे मेन अकाउंट का कार्ड उनके पास है, ब्लैंक चेक उनके पास है। मैंने सच्चा प्यार किया था, सच्चा साथ निभाया था, मैं छोटी सोच और गंदी नीयत का आदमी नहीं हूं, आखिरी दम तक मैं वफा करता रहूंगा। शमी कहते हैं कि हसीन जहां को अब पैसे की भूख आ गई है। जिस फार्म हाउस के लिए हसीन जहां लड़ती हैं, उसके बाहर भी हसीन जहां के नाम का बोर्ड लगा हुआ है। उन्होंने मेरे बाप के लिए गैस चूल्हा और सिलेंडर तक बाहर निकाल दिया है। आज मैं टीम इंडिया के लिए खेलता हूं और माँ बाप अपने लिए खाना खुद बनाते हैं। शमी नम आंखों से कहते हैं कि हसीन जहां ने मेरे यार दोस्तों के सामने भी कई ड्रामे किए हैं। शमी को एक तरफ अपने दामन से बेवफाई का दाग धोना था और दूसरी तरफ मैदान में खुद को साबित करना था। शमी अपने ऊपर लगे हर इल्जाम का जवाब एक खिलाड़ी की तरह परफॉर्म करके देना चाहते थे, लेकिन देहरादून से दिल्ली आते वक्त शमी एक हादसे का शिकार हो गए। शमी अस्पताल में हसीन जहां का इंतजार कर रहे थे और हसीन जहां उनकी बेवफाई के किस्से सुनाने में मशगूल थी। शमी कहते हैं कि इस पूरे खेल के पीछे जो भी लोग हैं वो ज्यादा समझदार नहीं हैं। मैं पूरे बवाल के बाद अब हसीन जहां को पहले से बेहतर जानता हूं। शमी ने कहा था कि मैं बहुत बुरा फंसा हूं, लेकिन मैं वापस सब ठीक करना चाहता हूं, लेकिन लगता है अब सब खत्म हो चुका है। शमी अब भी हसीन जहां की तस्वीर अपने पास रखते हैं, जिसमें हसीन जहां ने 18 लाख का हार पहना हुआ है, जिसे उन्होंने भुवनेश्वर कुमार के रिसेप्शन के लिए दिलवाया था। शमी कहते हैं कि वो उन लोगों का इंतजार कर रहे हैं कि वो मुझे गुनहगार साबित करके दिखाएं। इसी बीच कोलकाता की एक कोर्ट से मोहम्मद शमी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया है। उन्हें अब 15 दिनों के अंदर सरेंडर करना होगा, नहीं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला कि अल्लाह ने फिर से ये साबित कर दिया कि अल्लाह से बड़ा कुछ भी नहीं है। शुक्रगुजार हूँ मैं इंडियन कानून व्यवस्था का, जो इन्होंने भी साबित कर दिया कि कानून व्यवस्था सबके लिए समान है। 1.5 साल से ऊपर हो गया मुझे इस लड़ाई को लड़ते लड़ते, कहीं ना कहीं मैं निराश हो रही थी कि क्या पता मुझे जस्टिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरा सुन लिया और मुझे मेरी जस्टिस की पहली सीढ़ी में चढ़ गई। आप लोगों को पता है कि शमी अहमद अपने आप को बहुत पावरफुल, बहुत बड़ा क्रिकेटर समझता है और क्रिमिनल्स, बड़े क्रिकेटर्स, BCCI, बिजनेसमैन, ब्लैकमेलर सब उसे सपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं देश का संविधान से, कानून व्यवस्था से यही अपील करना चाहूँगी कि मैं फाइनेंशियली बहुत वीक हूँ, अपनी लड़ाई भी सही तरीके से नहीं लड़ पा रही हूँ, अपनी बच्ची की परवरिश भी करना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, तो मेरे सपोर्ट में, मेरे हक में राय दें, मेरा मेंटेनेंस का ऑर्डर करवा दें, जो मैं इजीली अपनी ज़िंदगी जी सकूं। ये वही मुकदमा है जब मार्च 2018 में हसीन जहां ने शमी पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने का आरोप लगाते हुए कुछ निजी चैट्स सोशल मीडिया पर डाल दिए थे। तब हसीन जहां ने शमी से 10 लाख रुपए गुजारा भत्ता मांगा था। हसीन जहां के लगाए मैच फिक्सिंग के आरोपों के बाद BCCI ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया था, लेकिन बाद में उन्हें
क्लीन चिट मिल गई। हालांकि बीसीसीआई का कहना है कि जब तक वो चार्जशीट नहीं देख लेंगे हम कोई फैसला नहीं करेंगे।